बीते दिनों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के शोधार्थी दीपक कुमार ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। छात्र ने विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर पर कथित तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। प्रशासन द्वारा प्रोफेसर पर उचित कार्रवाई न होने पर सोमवार को पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने के लिए छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने तीन बिंदुओं की मांग करते हुए कुलपति को ज्ञापन दिया। छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस बल मुस्तैद दिखे। इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर राजेश यादव और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, तो उसमें मुकदमा भी है और SC ST भी है उस लड़के के पिता के तहरीर पर, वो सब तो हो ही चुका है। सर मुकदमा जो है हत्या का प्रयास करो, 602 से इतनी हल्की धाराएं लगी है, छात्रों के ऊपर तो सर 307 सीधे लग जाता है। अनुमति नहीं है इसकी, अनुमति लेकर नहीं बैठे हो, कायदे से बात कर रहा हूँ तो इस इज्जत से बैठो। सर बात कर रही है, बात कर रहा है, बात करो, रहेंगे तो प्रभावित करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं सर, जब तक उनको रोका जाए विश्वविद्यालय से, एक मिनट अभी वो आप कुलपति साहब, मेरी बात तो सुन लो, मैं चीज कह रहा हूँ, अभी जब कुलपति साहब आ जाएंगे अपनी बात कहना, अपना ज्ञापन देना, उसके बाद यहाँ से विदा। क्लियर हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। हमारा मांग वही है, अगर एक छात्र को निलंबित किया जाता है तो इस गेट के अंदर तुमको नहीं जाना है, तो वही चेतावनी उन दोनों टीचरों के लिए भी है। हटा दिया है उन्होंने, जिस पद पर रहते हुए उन्होंने अगर गलती किया है वो आप बात अभी करिएगा। दीपक कुमार को न्याय दो, सत्यवाद नहीं चलेगा। ¡Gracias!
बल्कि दीपक पर और दबाव बढ़ गया। हार कर दीपक ने जहर खाकर जान देने का, अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न से मुक्त होने का निर्णय लिया। पूर्ति करने के लिए दीपक कुमार के द्वारा 18 सितंबर को अपने ऊपर हुए हमले की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा डॉक्टर राजेश यादव पूरे MLC प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। उसको जातिवाद आरक्षण इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिए कि दीपक कुमार ने जहर खाने पे मजबूर हो गया। और हम मांग करते हैं कि जो भी प्रोफेसर ऐसा किए हैं, जो भी कर्मचारी किए हैं, उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर FIR दर्ज हो। और मैं मांग करता हूं कि दोनों प्रोफेसर द्वारिकानाथ श्रीवास्तव और चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव दोनों के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो। ये हम लोगों की मांग है। और अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक मान नहीं जाएंगे, जब तक प्रोफेसर जेल नहीं चले जाएंगे, तब तक हम मानने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, जो ज्ञापन दिया गया है उसका पार्शियली कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। जो हमारे छात्र के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें दो अलग अलग बिंदु हैं उसमें। एक तो ये है कि उनके ऊपर ज़्यादा सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और एक पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो एक्ट पे ऊपर अगर कुछ होता है तो वो तो प्रशासन को लिख के दे दिया गया पहले ही। लड़के ने जैसा डिमांड कर रहे हैं कि 18 को हमने लिख के दिया था, 19 को प्रॉक्टर साहब ने पुलिस थाने में वो सूचना तुरंत दे दी थी और 20 को जो है थाने कार्यालय में हो गया। तो उससे संबंधित जो सूचना प्रशासनिक कार्रवाई करनी है वो प्रशासन अपना करेगा। बाकी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो उसकी समस्याएं हैं कि उसके शोध में कोई दिक्कत जा रही है, यद्यपि हमारे शिक्षकों का ये भी कहना है कि उसकी अभी 1 सितंबर को ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 5-6 दिन में ही उसका उत्पीड़न अगर विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए हुआ तो ये लॉजिकल या नहीं प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई 6 दिन या 8 दिनों में नहीं होगा। और चूँकि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोध से संबंधित उसकी कोई समस्या अगर थी तो 10 दिन या 15 दिन में एकाएक नहीं जनरेट हो जाती कि उसका पूर्ण होने लगे, थीसिस न जमा करने दे या उसका रजिस्ट्रेशन न होने पाए। ऐसी इतनी कम अवधि में इस तरह की बात के लिए जो लड़कों का आरोप है उसके लिए जांच समिति प्रतिकुलपति जी की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है और उसको वो सभी बिंदुओं की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट देगा तदनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय नहीं आने दिया जाए, ये तो कोई किसी को भी शिकायत कर देगा आरोपी, तो सभी विद्यालय के सभी शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। इस तरह से तो किसी भी शिक्षक को आपको बाहर करना हो, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे और उसके बाद विद्यालय को आप बाहर कर दीजिए, तो विद्यालय से उसको उसके पद से हटा दिया गया जो प्रशासनिक पद उसके पास था, जिसकी वजह से उसके ऊपर आरोप लग रहा था। क्योंकि शिक्षक के रूप में तो आरोप है नहीं, आरोप तो ये है कि वो हेड के रूप में या डीन के रूप में उन्होंने कार्य को किया, तो जिस पद पर रहते हुए बच्चे प्रभावित हो रहे थे उस पद से उनको हटा दिया गया है। बाकी एक शिक्षक के रूप में जो दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो बाकी छात्रों का क्लास में नुकसान होगा। तो हम ऐसे तो अगर सभी शिक्षकों को निकाल लेंगे तो हमारी कक्षाएँ ही नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हमारे पठन पाठन का कार्य हमारी प्रमुखता पे है। और हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि इसको ये जातिगत रूप देने की कोशिश की जाती है। विश्वविद्यालय वो केंद्र नहीं है जहाँ इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज़ किया जाए। यहाँ सिर्फ पठन पाठन का माहौल होना चाहिए और सिर्फ शिक्षक और छात्र का जो पवित्र रिश्ता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी छात्रों पे भी है, शिक्षकों पे भी है। और शिक्षक अगर इक्के दुक्के एकाध केस इस तरह से निकलते भी हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ शिक्षक हैं, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सब शिक्षक गड़बड़ हैं, सारे बेकार हैं और सभी के साथ कार्रवाई कोई कोई होनी चाहिए। इस तरह से तो जैसे बच्चे बता रहे हैं कि इनके खिलाफ भी आरोप है, उनके खिलाफ भी आरोप है, तो सारे शिक्षकों को हम निकाल दें फिर कोई विद्यालय चलेगा कैसे? तो जो प्रशासनिक दायित्व कहीं दिक्कत जाती है, तो अगर कोई चीज़ जांच के बाद ही आरोप तय किए जाते हैं, ये तो पूरे सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग दी हुई है इसने, तो हम वैधानिक दृष्टिकोण से ही काम करेंगे और जो भी विदेश से मत निर्णय होगा वही निर्णय लेंगे। 15 दिन का समय दिया गया है क्योंकि 15 दिन के बाद ही हम कुछ इसके बारे में निर्णय दे पाएंगे।